पहली बात तो ये दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन यही है, इससे सरल क्वेश्चन आज तक बना ही नहीं है। कहोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, हम ऐसी बात कर रहे हैं। ये जन्म लेने वाला बच्चा ही बोलना जानता तो इसका उत्तर बता देगा कि बच्चों वर्ग जो होता है, अगर एक का वर्ग करेंगे अपन तो एक आंसर आएगा बच्चों, वो एक नहीं आएगा। बताओ एक का वर्ग का आंसर एक आता कि नहीं आता, बोलो। एक एकम एक आता है, तो माना बच्चों लास्ट का आंसर आना चाहिए एक। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में लास्ट का आंसर एक किस में है, पहले में ही लास्ट का देखो एक ही लिखा रहा है, हो गया आपका ये आंसर सही। वर्ग पूछा है आपसे, इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, आपको कह रहे थे कि सर इसका आंसर बता दीजिए, बता दीजिए क्या बताएं इसका, गणित के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है, A4 AQ का मान है, तो इसमें कुछ नहीं तो घातें जोड़ दी जाती हैं, जोड़ दो भैया, A7 हो गया आपका। अब आपका ये क्वेश्चन जो है 2401 × 81, तो आपका ये हल करना है कि कैसे अपन हल करेंगे अपन देखते हैं। तो इसका जो आंसर बच्चों आएगा वो तो आपका देखो 21 आएगा, आपका आंसर जो आएगा वो 21 आएगा। अब 21 आया कैसे वो अपन देख लेते हैं। दो बातें देखो, लास्ट का अंक एक है भैया, लास्ट का अंक एक है, तो उत्तर में भी लास्ट का अंक एक आएगा। इस आधार पर आपने देखा तो ए आपका गलत हो गया, ये गलत हो क्योंकि लास्ट का अंक एक नहीं है। अब या तो आपका बी आंसर सही है या फिर बच्चों सी आंसर सही है। अब एक आप एक ही बात बताओ, 1/4 ये यहाँ पर कह रहे हैं, माने संख्या को घटाने की बात ही कह रहे हैं। अगर आप सी उत्तर लगा देते हैं 441, तो संख्या कहाँ जाएगी, करोड़ों में संख्या जाएगी, तो माने छोटी संख्या वाला आंसर सही होगा, तो 21 आपका सही है। बोलो सरल है कि नहीं। अब देखो आपका ये क्वेश्चन जो है ये भी दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है। क्योंकि सर आप कैसे कह रहे हो, तो देखो एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि आपसे पूछी है। एक सिक्का बना लो भैया, ये सिक्का बना लिया हमने जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, चलो हमने ये 2 सेंटीमीटर हमने इसका व्यास बना लिया, उसकी परिधि अब वृत्त बन गया, वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, वृत्त की परिधि बच्चों होती है 2πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr। अच्छा जो व्यास होता है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2r, क्योंकि त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या का ये दुगना होता है व्यास, माने वृत्त का आधा क्या होता है त्रिज्या, और वृत्त पूरा खींच दो तो व्यास हो जाता है, तो त्रिज्या दुगनी बराबर व्यास। अब ये कह रहा है कि जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, माने जो 2r है बच्चों ये क्या है, ये क्या है, व्यास ही तो है, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। अब ये आपका देखो ये सूत्र जो है 2πr जो है, इसको अपन अगर हम ऐसे लिखें 2r × π, तो 2r क्या है, 2r का मान दिया है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए और इंटू हमने पाई कर दिया, तो उत्तर क्या है 2π, तो ये आपका है सी आंसर। इसका एक बार और देखो, नहीं आपको मज़ा नहीं आया ऐसे लग रहा है। वो जो कह रहा है बच्चों कि एक ऐसा व्यास है, ठीक है, एक मतलब एक सिक्का है मतलब, और जिसका व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है, ये हमने 2 सेंटीमीटर कर दिया, और आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या जो दूरी त्रिज्या बराबर व्यास होता है, ये आपको पता होना चाहिए हमेशा, 2r बराबर व्यास होता है। तो व्यास उन्होंने किसना कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। अब परिधि का सूत्र सबको पता रहता है 2πr, 2r का मान उन्होंने 2 दिया है, तो यहाँ 2 रख दिया, ये 2r का मान, इंटू पाई बचा तो 2π आ गया उत्तर, सी आ गया आपका आंसर। अब ये प्रश्न है कि समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण होंगे, एक बताओ। ये हमने समानांतर चतुर्भुज बना दिया,
समानांतर हमने चतुर्भुज बना दिया, कोशिश करी बनाने की, ये हमने समानांतर बच्चों चतुर्भुज बना दिया। अब बच्चे देखो इस अब विपरीत कोण होगा, एक बात है बच्चों हमेशा कोण बराबर नहीं होंगे। यहाँ जो कोण बनेगा इसका कोण का मान बराबर होगा, इस कोण का मान इसके बराबर होगा। तो क्या लिखा है विपरीत कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा, सिंपल सी बात है बराबर होगा।